तो राम राम जी, अगर सच्चे राम भक्त हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे राम राम लिख दो। देखा, इस मारुति सुजुकी इको की बात करें तो इको जो है बहुत दिन से अपडेट नहीं करी गई, ना इसका डिज़ाइन अपडेट करा गया है। एंड अगर मैं सही बताऊं तो अभी वाली जो इको है वो केवल ड्राइवर भाई यूज़ करते हैं, आप लोगों ने कमर्शियल में ज़्यादा चलती देखी होगी, बट मारुति ऐसा नहीं चाहती। मारुति चाहती है कि इस जो व्हीकल है इसको पर्सनल यूज़ में भी उपयोग करा जाए। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इको फेसलिफ्ट 2024 के बारे में, जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, सामने आपको दिखने लग रही होगी मारुति सुजुकी इको जो है उसका नया मॉडल आ चुका है। अब ये जो गाड़ी है ये डायरेक्ट कम्पीट करेगी इनोवा जैसी गाड़ियों के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे लग्जरी फीचर्स जो हैं वो भर भर के दे दिए हैं। यहाँ से आपको दिखने लग रहा होगा कि पीला कलर भी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा जाएगा। येलो यहाँ पे आप ये टैक्सी मत सोचिएगा, ये भी पर्सनल यूज़ के लिए, अंदर से भी आपको स्पेस दिखने लग रही होगी। इसी के साथ साथ पीछे के अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो पीछे का डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही बनाया गया है। जो नई मारुति सुजुकी इको आने वाली है उसमें यहाँ पे आपको दिखने लग रहा होगा काफ़ी लंबी चौड़ी जो गाड़ी है, 4 मीटर से लंबी इसकी लेंथ रहने वाली है। फ्रंट में आपको एक हैंडल मिल जाता है, साथ साथ पीछे की तरफ भी जो हैंडल मिल जाता है आप लोगों को यहाँ से देखने में, एक बड़ा सा मिरर साइड में। फेंडर्स पे कोई इंडिकेटर नहीं है, जो मिरर है उसी पे ही आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्रंट की तरफ हम आपको लेके चले तो फ्रंट में जो है आप लोगों को फॉग लैंप अभी मिसिंग है, बट जब गाड़ी एकदम बन के आ जाएगी उसके बाद फॉग लैंप भी लग जाएंगे इसमें। और तो और बहुत सारे चेंजेस होंगे जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जैसी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ से देख सकते हो कितने लंबे चौड़े जो लुक्स हैं इसके यहाँ पे देखने को मिलने लग रहे हैं। ब्लू कलर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। इंटीरियर में देख सकते हैं भर भर के स्पेस दी गई है। एसी में होगी ये पूरी गाड़ी, यानी कि जो रियर पे लोग बैठे होंगे उनको भी एसी आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रंट की ग्रिल आपको दिखने लगी होगी, बहुत हद तक जो है काफ़ी लग्जरी ग्रिल लगाई गई है फ्रंट में। व्हील कैप रखे गए हैं साइड में अलॉय व्हील्स के साथ। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो शीशे हैं पीछे वाले वो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको ब्लैक कलर के चाहिए होंगे या फिर सिंपल आप ब्लैक भी चूज़ कर सकते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये लिमोजिन टाइप जो है रहने वाली है थोड़ी। तो इंटीरियर में इतनी लग्जरी होने के बाद ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेसी का ख्याल भी जो है मारुति की तरफ से पूरा पूरा रखा जाएगा। और तो और गाइस, इसमें रेन साइलेंसिंग वाइपर्स जो है आपको ऊपर छत पर दिखने लग रहे होंगे तो वो भी दिए जाएंगे गाड़ी में। इसी के साथ साथ फ्रंट के 2-3 डिज़ाइन मिलेंगे, जैसे कि जो बेस मॉडल होगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा एंड जो आपका टॉप मॉडल होगा वो हमने आपको पहले जो ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई थी वैसा कुछ रहेगा। यहाँ पे आप वाइपर्स देख सकते हैं, बड़े बड़े वाइपर्स दिए गए हैं इसमें। इसी के साथ साथ इसके जो हेडलैम्प और फॉग लैम्प होंगे ये दोनों व्हाइट कलर के दिए जाने वाले हैं। इनकी बार ये आप लोगों को येलो कलर में नहीं मिलेंगे, व्हाइट कलर में देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ साइड फुटस्टेप की हम लोग बात करें तो गाइस, साइड में जो आपको फुटस्टेप देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसी के साथ साथ अगर हम फेंडर्स की बात करें तो इस पे आप लोगों को 80 करके मिल जाता है। 80 का मतलब है इसमें ऑटोमेटिक जो है कीवर वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ नए कलर्स हैं इसमें जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे काफ़ी सारे। क्लैडिंग यहाँ पे साइड में दिखने लग रही होगी, क्लैडिंग कैसी है तो पियानो ब्लैक में तो नहीं आएगी बट मैट कलर में जो क्लैडिंग है ये आपको सामने दिखने लग रहा है। टॉप मॉडल रहेगा हमारी नई इको फेसलिफ्ट 2024 का। इसमें जो है आप लोगों को टोटली 6 लैंप मिलेंगे, एक बड़ा प्रोजेक्टर होगा उसके साथ साथ छोटे छोटे कई सारे लैंप्स होंगे। इको की जो बैजिंग है वो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। ये ब्लैक कलर जो है ये टॉप एंड मॉडल्स में ही आने वाला है। बेस एंड मॉडल में जो ब्लैक कलर होगा वो थोड़ा सा मैट टाइप होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में जो है आप लोगों को क्रोम भी ऊपर जो है लगा हुआ मिल जाता है। अब गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मारुति सुजुकी ने इसमें और क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो सुजुकी की जो बैजिंग है आप लोगों को फ्रंट में एंड बैक में दोनों तरफ देखने को मिल जाएगी। कनेक्टेड जो टेल लैंप्स हैं वो भी आपके पास इसमें दिए गए हैं। स्पेस के मामले में आपको ये 7 सीटर और 9 सीटर के जो ऑप्शंस हैं उसमें देखने को मिलने वाली है। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे, एसी के जो वेंट्स होंगे पीछे की तरफ भी होंगे। इंटीरियर में जो है आप लोगों को लेदराइट सीट्स देखने को मिलेगी। वेंटिलेशन की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं दी गई है। इसी के साथ साथ डोर सेंसर्स होंगे, यानी कि जैसे ही आप एक बटन दबाएंगे तो उसी के साथ साथ आपका जो साइड के फुटस्टेप हैं वो खुल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, ये आ जाता है आपका सेकंड यहाँ पे टॉप मॉडल। इसमें जो है आप लोग ग्रिल नई वाली टाइप की मिलेंगी। क्रोम थोड़ा सा हटके काम होगा इसमें, वैसा वाला नहीं होगा जैसे आप लोगों ने टॉप मॉडल में देखा था। अलॉय व्हील्स देख सकते हो, 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। ऑल डिस्क ब्रेक्स होंगे इसमें, यानी कि फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे, पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक दिए जाने वाले हैं। यहाँ पे 16 इंच के टायर्स आपको दिखने लग रहे होंगे। ट्यूबलेस टायर्स रहेंगे ये, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। ब्रेक कैलिपर जो ग्रीन कलर का होगा। क्लैडिंग्स का जो यूज़ है वो साइड से लेके आगे पीछे हर जगह पर करा गया। अब देखिए गाइस, ये एक और मॉडल आ जाता है तो इको में आपके पास कई सारे मॉडल दिए जाने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो स्टार्टिंग होगी मात्र 6 लाख रुपए से इस गाड़ी की होने वाली है। आपके पास 6 लाख में इतने भर भर के फीचर्स आप लोगों को कौन सी कंपनी देगी मुझे लिख के बताएगा नीचे।
तो गाइज आप लोग भी फटाफट बुकिंग करा सकते हैं, शायद आपकी जो नियरेस्ट डीलरशिप्स हो उसने की बुकिंग लेनी स्टार्ट कर दियो। इंटीरियर में वापस लेके चलते हैं एक बार आपको उस वेरिएंट की तरफ जिसमें आपको सारा का सारा घर देखने को मिल जाता है अंदर। इधर से देख सकते हो आपका पर्सनलाइज आप इसको करवा सकते हो, जिसमें आपको किचन जैसे फीचर जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब की बार मैंने जैसे बताया था कंपनी है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही इको पे, एंड उसको चाहिए कि इसको लग्जरी वैन की तरह इंट्रोड्यूस करा जाए, तो ये सीधे सीधे जो है इनोवा जैसी गाड़ियों को टारगेट करने लग रही है। तो गाइज ये रखा गया था एक प्रोटोटाइप मॉडल पहले जब लॉन्चिंग से पहले इंडिया के कि कुछ ऐसी बना सकते हैं, बट देन फिर सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से इस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इसमें जो सेटिंग थी वो इतनी सही से नहीं थी। हालांकि देख सकते हो यहाँ पे इंटीरियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी बनाए गए हैं, तो ड्राइवर और को पैसेंजर जो हैं उन सबको मज़ा आने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको बीच में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे मोड नॉर्मल इको स्पोर्ट स्मार्ट। अच्छा बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें 1.5 लीटर का टर्बो इंजन जो है टोयोटा की तरफ से आने वाला है। तो मारुति सुजुकी और टोयोटा ने मिलकर इसका इंजन डेवलप कराया है, तो 1.5 लीटर टर्बो में आपको बहुत सारे मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हो डैशबोर्ड व्यू कुछ इस प्रकार का रहेगा, न्यू या हेड यूनिट और न्यू गार्निश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहेंगे, ऑटोमेटिक एसी विद हीटर रहने वाला है, सुजुकी स्पोर्ट्स मॉडल जो है उससे लिया हुआ। सेफ्टी की बात करें तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे जो है गाड़ी बेस्ड है, हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, सनरूफ के साथ साथ जो है इस गाड़ी में आपको एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी अब की बार आने वाला है। तो गाइस इको जो इलेक्ट्रिक रहेगी वो भी काफ़ी सारे फीचर्स के साथ रहेगी, बट वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी। उसकी फ्रंट ग्रिल जो है कुछ इस टाइप की हो सकती है, यानी कि उसमें लाइट्स वगैरह जो है आप चला सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारी मारुति सुजुकी इको जो है वो बनके पूरी रेडी हो चुकी है, एंड शायद अगर मैं बताऊँ तो इसी मंथ शायद इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च करा जा सकता है। तो गाइस आप लोग लेके बताइए कि आपको कौन सा मॉडल जो है इको का बेस्ट लगा। अगर आपको समझ में नहीं आए हो मॉडल्स की जानकारी तो carindianews.com पे जाके इको के सारे मॉडल्स हमने बता रखे हैं, carindianews.com पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं आपको कौन सी इको पसंद आएगी। वहाँ पे हमने विद इमेजेस सारी की सारी जानकारी दे रखी है कि इंजन क्या कुछ आने वाला है, तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे carindianews.com तो वहाँ पे जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लास्ट लुक्स में एक बार आपको दिखा देते हैं कि नई इको 2024 फेसलिफ्ट कैसी कुछ लगने वाली है। तो गाइस ये जो हैं कई सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो आप लोग जो है carindianews.com पे जाके देख सकते हो। विद दिस गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको जो आज हमारी इको फेसलिफ्ट 2024 की वीडियो है वो समझ में आई हो। बाकी बात करें इंजन वगैरह की तो बहुत अच्छा इंजन होगा, 6 लाख रुपए में आपको इतने सारे भर भर के फीचर्स देखने को मिलने लग रहे हैं। एंड गाइस एक चीज़ और कि ये जो गाड़ी है अब की बार लग्जरी साइड में है, कमर्शियल साइड के लिए इसको कंपनी नहीं देने वाली है। तो गाइस नीचे लिख के बताएगा क्या आप लोग इको बुक कराने जा रहे हैं, एक बार जाके शोरूम्स पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द जो है मारुति सुजुकी इको फेसलिफ्ट 2024 आपको देखने को मिलने वाली है। तो carindianews.com पे जाके देख लीजिएगा, सारी सारी न्यूज़ वहाँ पे हमने दे रखी है। धन्यवाद दोस्तों, नीचे राम राम लिख दीजिएगा, बाय बाय। We'll be right back.